भाइयों बहनों, पिछले वर्ष जब भारत में चुनाव का मौसम था, चुनाव तो वहां चल रहे थे लेकिन नारे यहां से सुनाई देते थे। नतीजे तो वहां आए थे लेकिन मिठाई यहां बांटी जा रही थी। वहां पर लोग दिन में मना रहे थे, आप आधी रात में मना रहे थे। मेरे भाइयों बहनों, 10 महीने के पहले सिर्फ सरकार बदली थी, लेकिन आज मैं 10 महीने के बाद कह सकता हूं कि जन जन का मन भी बदला है। सरकार बदली है उससे क्या होगा ये तो समय कहेगा, लेकिन जन मन के बदलने से क्या कुछ हो सकता है इसको मैं भली भांति समझ सकता हूं। हम लोग जब छोटे थे तो सिनेमा का एक गीत सुना करते थे, देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान। उस समय एक पीड़ा थी, व्यथा की बात थी उस गीत में। मैं आज उस गीत को नए रूप में देख रहा हूं कि इंसान बदला है। उस समय पीड़ा थी, कितना बदल गया इंसान, और मैं आज गर्व से कहता हूं कितना अच्छा बन गया इंसान। बदला है, बदला है। कोई कल्पना कर सकता है? मैंने देश के गरीब भाइयों बहनों को कहा कि आप बैंक में खाता खोलिए, बैंक में खाता खोलिए। हमारे यहां मेरे जन्म से पहले ही बैंक तो चल रही थी, देश आजाद होने के बाद भी बैंक चल रही थी। कांग्रेस सरकार ने, श्रीमती इंदिरा गांधी की सरकार थी, तब बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया था ताकि बैंक गरीबों के काम आए। लेकिन उसके बावजूद भी 10 करोड़ से अधिक परिवार ऐसे थे, यानी करीब करीब 40% से ज्यादा जनसंख्या ऐसी थी जिनके नसीब में बैंक का खाता खोलना नहीं था। मैंने 15 अगस्त को घोषणा की थी कि मुझे बैंक में खाते खुलवाने हैं, और एक जमाना था, आप भी हिंदुस्तान में रहे हैं, बैंक में जाते थे तो बैंक का अफसर नीचे से ऊपर देखता भी नहीं था, और अगर आप उसका ध्यान आकर्षित करना है की कोशिश करें तो ऐसे काटने के लिए आता था, देखते नहीं हो मैं काम कर रहा हूं। इंसान भी बदल गया, बैंक वाले भी बदल गए। यही बैंक के कर्मचारी, आज मैं उनका अभिनंदन करता हूं, उनका गर्व करता हूं कि वो गांव गांव गए, गरीब के घर गए और 14 करोड़ बैंक खाते खोले। 14 करोड़ मतलब कि करीब करीब 3 कनाडा। और ये काम 100 दिन में पूरा किया उन्होंने, 100 दिन के अंदर पूरा किया। इंसान बदला है, भारत का जन मन जो बदला है ये उसका उदाहरण है। सरकार सिर्फ नहीं बदली है, जन मन बदला है। जब बैंक खाते खोलने की बात आई तो स्वाभाविक था कि गरीब के पास पैसे नहीं, बैंक खाता क्या खोलेगा, और इसलिए हमने कहा था कि जीरो बैलेंस से अकाउंट खोलेंगे। बैंक वालों के थोड़ा शुरू में तो ये था कि भाई ये क्या कर रहे हो आप। हमने कहा क्या जाता है भाई, 2 कागज पे उनका नाम लिखना है, बैंक अकाउंट खोलना, जाता क्या है तुम्हारा? नहीं, बोले कुछ तो देना चाहिए उसने। हमने कहा क्या देना है? उसने पसीना बहाया है देश के लिए, क्या लेना है, दे दो बैंक का खाता दे दो। मैंने गरीबों को कहा था कि आपने पैसे बैंक में रखने की जरूरत नहीं, खाता खोल दीजिए,
फिर आगे देखेंगे। लेकिन मेरे नौजवान साथियों दोस्तों, जन मन बदला है तो कैसे बदला है। मैंने गरीब को कहा था कि तुम्हें बैंक में पैसे डालने की जरूरत नहीं है, मुफ्त में खाता खोल देंगे, लेकिन गरीब की अमीरी भी तो कुछ चीज होती है। गरीब की अमीरी की भी अपनी एक ताकत होती है। और मैं आज गर्व से कहता हूं और उन गरीबों के सामने मेरा सर झुका करके उनका अभिनंदन करता हूं, उन्होंने 14,000 करोड़ रुपया बैंक में जमा करवाया। ये गरीबी की, गरीबों की अमीरी, ये बदले हुए जनमन का निशानी है भाई। देश में एक नया विश्वास पैदा हुआ है। सरकार बदली है इसलिए सब बदलेगा, ऐसा नहीं है। बदलने का मेरा विश्वास इसलिए है कि जनमन बदला है दोस्तों। जन गण मन अधिनायक जो कहते हैं ना, वो जनमन बदला है। हमारे देश में आप जब विदेश से आते थे, एयरपोर्ट पर उतरते ही आपकी शिकायत क्या रहती थी? यार गंदगी बहुत है, सफाई नहीं है, ऐसा ही लगता था ना। हमने तय किया, काम कठिन है लेकिन करना चाहिए, और हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा जी। जिनको गंदगी करनी थी वो गंदगी करके चले गए, लेकिन हम सफाई करके जाएंगे। और आज जनमन बदला ऐसा है, हर दिन एकाध खबर तो कहीं कहीं से आती है कि फलाने बैंक के सारे एम्प्लॉई सैटरडे संडे को सफाई करने के लिए निकले हैं, फलानी कॉलेज के स्टूडेंट्स सफाई करने के लिए निकले हैं, फलाने मंदिर के सारे संत सफाई करने के लिए निकले हैं, फलाना एमएलए सफाई कर रहा है, एमपी सफाई कर रहा है। चारों तरफ कहीं ना कहीं से खबर आ रही है। और मैंने देखा, आप कभी सचिन तेंदुलकर जी की वेबसाइट पर जाओगे तो उन्होंने अपना एक वीडियो रखा है। उन्होंने मुंबई में एक फुटपाथ तय की, रोज सुबह 4 बजे जाते थे अपने यार दोस्तों को लेकर के, महीने भर गए और पूरी उसकी सफाई करके उसको बढ़िया सा पार्क में कन्वर्ट कर दिया। उन्होंने लोग आके बैठे, सरकार ने नहीं किया, नागरिक कर रहे। दो बेटियां एक नागालैंड से और एक बनारस से, दो बेटियां बनारस में इकट्ठी हुई और उनका मन कर गया काशी के घाटों की सफाई करें। और आज मैं हैरान हूं कि उन दो बेटियों ने काम शुरू किया, धीरे धीरे नौजवान जुड़ते गए और उन्होंने पूरे प्रभु घाट को साफ कर दिया। आज लोग जाकर के, विदेश के लोग वहां जाकर के घंटों तक गंगा के सामने बैठते हैं। देश विशाल है, गंदगी बहुत है, पुरानी है, वक्त लगेगा, लेकिन जन मन बदला है उसका यह उदाहरण है। हमने कहा स्कूल में टॉयलेट बनाना है, उसमें भी गर्ल चाइल्ड के लिए टॉयलेट बनाना है। लोगों को लगता है यार प्रधानमंत्री का काम होता है ये क्या, लेकिन ये थोड़ा अलग सा प्रधानमंत्री है। औरों को जो बनाना हो बना दे, मुझे तो ऐसे ही छोटे छोटे काम करने हैं। और बूंद बूंद से जैसे सरोवर भर जाता है, छोटे छोटे कामों से हिंदुस्तान की सकल सूरत बदल जाएगी, ये मेरा विश्वास है। और मेरा विश्वास है 125 करोड़ देशवासी एक कदम चले तो देश 125 करोड़ कदम आगे बढ़ जाता है। जर्मनी भारत में क्लीन एनर्जी के उपकरणों का बनाने में भी आगे बढ़े और साथ मिलकर क्लाइमेट चेंज की चुनौती का हम सामना करें। भारत मैन्युफैक्चरिंग हब बनेगा और इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार होगा तो ट्रेड के लिए भी लाभदायक होगा।